कार्यकर्ता की पहचान होती है या काम की पहचान होती है या नीतियों की पहचान होती है। नमस्कार, मैं योगेंद्र जांगड़ा और मैं आपको उपस्थित हूँ अटेली हलके में और यहाँ पे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जो है मोहनलाल बुडोली वहाँ पहुँचने वाले हैं और बारिश का मौसम होने के बाद भी यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है जो अटेली हलके से जो प्रत्याशी है कुलदीप यादव जी उनके द्वारा किया गया है और बारिश के मौसम में भी इतने लोग जो युवा है वो इनके समर्थन में पहुंचे हैं। तो कुलदीप जी क्या कहने चाहेंगे आपके प्रोग्राम के बारे में? आप सब यहाँ पहुंचे आज गोकुलपुर रेस्ट एरिया पीडब्ल्यूडी एनएचआई के यहाँ प्रोग्राम स्थल है, यहाँ पर आप सब पहुंचे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज ये प्रोग्राम हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी आज पहुंच रहे हैं, उनकी अगुवाई में उनके स्वागत में आज ये प्रोग्राम रखा गया। अच्छा कुलदीप जी, एक ही प्रोग्राम अटेली हल्के में क्या कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद मिल रहा है? ये आशीर्वाद हर कार्यकर्ता को मिल रहे हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विशेष नहीं होता, यहाँ कार्यकर्ता की पहचान होती है, यहाँ काम की पहचान होती है, यहाँ नीतियों की पहचान होती है और ये सब कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। अच्छा एक बात बताइए, आप मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जीत का एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो एक लहर थी ना वो अभी कुछ ना कुछ डाउन गई है, लोकसभा में भी आपने देख लिया होगा, अब की बार ना किसी बड़े नेता की टीआरपी पे नहीं, यहाँ के जो लोकल नेता होंगे उनके फेस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो आपका क्या एजेंडा है? आप जांगड़ा साहब, ये तो एक परिवार का हमारा यहाँ संस्कार होते हैं, हमारी संगठन की पार्टी संस्कारों की पार्टी है, मुखिया का हमारे यहाँ अहम रोल होता है, परिवार में जैसे मुखिया का संदेश होता है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी में भी संदेश होता है। और आपने रहा टीआरपी की बात कही, यहाँ हमारे विकास की टीआरपी है, आज जब यहाँ खड़े हैं आप पिछले 10 साल के कार्यक्रम देखेंगे और आज के तो विकास के कार्यक्रम देखेंगे, उस पे चुनाव लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसा आपने लोकसभा में बताया, आज हम लोकसभा में भी कुछ बातों पर कुछ मुद्दों को लोगों ने गुमराह कर आज हमारे कार्यकर्ताओं को या हमारी जनता को गुमराह किया, वो कोई विकास की हार नहीं है, विकास की जीत रहेगी। और जो आज आप बात कर रहे हैं, हमने लोकसभा में भी 46 सीटों पर जीत हासिल की है। जब आपने मुद्दे की बात करी, सबसे बड़ा जो मुद्दा बन गया है ना वो किसानों को लेकर बन गया है, तो इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को, आप किस तरह से पॉजिटिव? ये क्या है जांगड़ा भाई, किसानों की बात किसी ने रखी है? वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। आज हमारे दूसरे प्रदेशों में दूसरे पार्टियों की जो सरकारें हैं, आज वहां पर आप भावनांतर जब तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं जहां प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं उनको आप अच्छा बताएंगे। रही बात किसानों की, मैं किसान का बेटा हूं, परिवार हूं मेरा किसान है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, बोतड़े गांव का मैं सरपंच रहा 2016-21, मैं प्रधान भी रहा, हम किसानी को भी जानते हैं, किसान को भी जानते हैं, किसान हमारा बड़ा संतुष्ट है, बड़ा ही आत्मनिर्भर हुआ है। और आज जब आप ये नौकरियों का एजेंडा जब देखेंगे, वो सब किसान परिवार में नौकरियां लगी है, वो अनुसूचित जातियों में नौकरियां लगी है, वो निम्न पिछड़े समाज में नौकरियां लगी है, यहाँ सब मजबूत है। किसान की बात आप कर रहे हैं, यहाँ 24 फसलों पर आप MSP की बात करेंगे तो आप देखेंगे 24 फसलें अभी माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने ये घोषणा की है और वो स्वागत के योग्य वो फैसला है। अच्छा बात करें रोजगार की, अगर आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो हर जगह हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी तो मिल नहीं सकती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में अहिरवाल बिछड़ा हुआ है। IMT था वो भी अभी डिले ही चल रहा है, IMT का सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, लेकिन उसके बाद वो सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा क्यों? हमारा पार्टी का एजेंडा रहा, प्रदेश पार्टी का, हरियाणा सरकार का एजेंडा रहा, हरियाणा एक हरियाणी में एक, आज कोई भी कार्यक्रम करने में, कोई भी रूपरेखा बनाने में, कोई भी विकास को आगे बढ़ाने में समय लगता है, समय पर सारे काम होंगे। हमारा नौजवान, हमारा युवा बड़ा संतुष्ट है, 2014 से 2024 में जिसको काबिलियत था उसको नौकरी मिली है और बड़ा ही युवा जोश में है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, 1 साल आपकी सरकार रही है, ये भी करवाए आपने, चाहे वो रोजगार हो, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे सड़कें हो, कुछ भी हो, जो अभी आगे वाली 5 साल जो आने वाली है जिनके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हो, उनके लिए आपका एजेंडा क्या है कि पीछे वाले को हटा के आगे क्या कुछ नई रूपरेखा तैयार की गई? आपने बताया IMT का जो प्रोजेक्ट है वो आपने कहा जी अभी शुरू नहीं हुआ, उस पर काम हो रहा है, आगे ये काम होंगे। नौजवानों को, युवाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, कैसे रोजगार के लिए उनको बढ़ाया जाए, उस पर काम पीछे चल रहे, वो आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारी योजनाएं 10 साल में जो नहीं क्रियाकल्प हो पाई उन पे काम होगा और प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा।
एक तो हमारे साथ अभी मौजूद है और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अभी पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए हम आपको जनता के लोग इनके बारे में क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।